तो पृथ्वी पे पानी कैसे आया, इसके लिए दो थ्योरी वैज्ञानिक बताते हैं। पहली थ्योरी है कि आसमान से आया, यानी कि उल्का पिंडों ने पृथ्वी पे पानी लाया। जब शुरुआत में पृथ्वी पे पानी नहीं था तो यहाँ पर गड्ढे थे, क्योंकि बर्फ गोले के समान थे और आसमान में बादल छाए थे। इसके बाद यहाँ पर पानी वानी नहीं था, तो जब उल्का पिंड यहाँ पृथ्वी से टकराया तो उसके साथ पानी आ गया। ये उल्का पिंड वही थे जो आज बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में कई सारी पट्टियाँ बनी हुई हैं उल्का पिंड की। उसके बाहरी किनारे पे जो उल्का पिंड है उसमें बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं, यानी कि पानी के जो बर्फ़ जम जाती है उसके टुकड़े पाए जाते थे। वो जब यहाँ पर आए धीरे धीरे से, कई हज़ार वर्षों, कई लाखों वर्षों, कई करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे आते रहे, तो यहाँ पर पानी ला कर जमा करते रहे। इसी तरह से एक पृथ्वी पर पानी आ गया, ये थ्योरी बताती हैं वैज्ञानिक। और जापान के एक हायाबुसा नाम का एक उपग्रह गया था जो इसका पता लगाने के लिए गया था और सटीक पता लगाया कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया। दोस्तों इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, लंबी वीडियो। और दूसरी थ्योरी आती है कि पृथ्वी शुरुआत में जब गर्म थी, धरती लावा के समान थी, तो उसके अंदर से कई सारे गैसें निकली, जिसमें से हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन गैसें भी साथ साथ निकली। जब आपस में वायुमंडल में गए तो आपस में संपर्क से H2O बना लिए, यानी कि जल के अणु बना लिए, और लास्ट में बहुत सारे अणु इकट्ठा हो गए, बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे, और इसकी वजह से पृथ्वी ठंडी हो गई और सिकुड़ती गई, और जहाँ जहाँ प्रेशर पानी का ज़्यादा पड़ता गया वहाँ पर समुद्र बन गए आज जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा था पृथ्वी? नहीं, पहले पृथ्वी एक समान था, पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप थे, उसका नाम था क्या? पैंजिया। हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पर, जो पिछले मैंने वीडियो डाले हैं पृथ्वी का इतिहास कैसे रहा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारे जो पिछले वीडियो दिए गए हैं वो अच्छी लगती हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।